मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, माइंड्स को आगे बढ़ाते हैं। और फिफ्थ जो नंबर मेथड लेते हैं इसका, नीम रिएक्शन है, बहुत फेमस है केमिस्ट्री की। नाम क्या है इसका, पढ़िए, ग्रेब्रिल थैलीमाइड सिंथेसिस। थैलीमाइड क्यों नाम पड़ा बेटा, कि ये रिएक्शन थैलीमाइड से स्टार्ट होती है। आप याद रख लो, थैलीमाइड का मतलब है थैलिक एसिड का एमाइड। याद दिला दे तो आपको, एसिड में ये बना था, किस तरह का होता था ध्यान दीजिए, ये होता है आपकी सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और C डबल बॉन्ड ओ एन एच। ये फॉर्मूला किसका है, थैलीमाइड का फॉर्मूला है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, ध्यान देना इधर, कि ये एसिडिक है बेटा, क्यों, क्योंकि ये इधर विड्रॉ कर रहा है, ये इधर विड्रॉ कर रहा है, तो ये थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, एल्कोहलिक बेस से करवानी बेटा। बेस कौन सा लेना है, KOH NaOH ले लीजिए, और कैसा लेना है एल्कोहलिक, ये माइनस का और ये प्लस का, यहां से देखिए इधर पानी बाहर निकालना, ये तो पोटेशियम थैलीमाइड बन जाएगा पहले, तो क्या बनेगा, पोटेशियम थैलीमाइड बनेगा। पोटेशियम थैलीमाइड बनाना हो तो कैसे करोगे, यहां से देखना, C डबल बॉन्ड O N पे माइनस आ जाएगा, K पे प्लस, C डबल बॉन्ड O, ये पोटेशियम थैलीमाइड बन गया। इसकी रिएक्शन अपन को किससे करानी है, हेलो एल्केन से, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवानी है। अब एक बड़ा क्वेश्चन आपको बता दूं, कि यहां पर आप एरोमेटिक नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी बनाएगा, लेकिन एरोमेटिक वाले हमेशा न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाते हैं, क्यों, कोई बता रहा है क्या, क्योंकि एरोमेटिक वाले में रेजोनेंस हो जाती है, तो रेजोनेंस के कारण वो घटता नहीं है, तो रेजोनेंस के कारण ये नहीं बनाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको एलिफेटिक एमाइंस बना सकते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन। ध्यान देना क्या बाहर जाएगा, यहां से KX बाहर चला जाएगा, और क्या बनेगा रे बच्चों, ये आया C डबल बॉन्ड O N R, C डबल बॉन्ड O, और लास्ट में क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस कराना बेटा। हाइड्रोलिसिस में क्या आएगा, H OH और ये H और OH, तो आपके बन गई इससे प्राइमरी एमाइन बन गई। प्लस कचरे में देखो आप, कचरा बहुत ही फेमस है, और कौन सा एसिड है, थैलिक एसिड। तो ये है बच्चों, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन बनती है इससे, ध्यान दीजिए। हाँ बेटा, एक बार इसको वापस समझ लो आप, सिंपल नाम है ग्रेब्रिल थैलीमाइड रिएक्शन। थैलीमाइड नाम क्योंकि थैलीमाइड से स्टार्ट होती है, ये देखो कंपाउंड में एमाइड ग्रुप है CONH, इसका नाम है थैलीमाइड। क्या नाम है इसका, TH, थैलीमाइड नाम है, TH थैलीमाइड। अब ये एसिडिक नेचर का है, क्योंकि ये H एक्टिव है बेटा, और इसकी रिएक्शन बेस से कराएंगे, तो यहां से वाटर रिमूव हुआ ये, तो क्या बना, N के क्या लग गया, के पोटेशियम सॉल्ट बन गया, क्या बन गया, पोटेशियम सॉल्ट। और पोटेशियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करानी है, एल्काइल हैलाइड से, तो यहां से क्या बाहर निकालना है, KX, क्या बाहर जाएगा, KX, तो ये लग जाएगा, R कहां लग जाएगा उसके, ठीक है ना। और अभी एक क्वेश्चन में नोटपॉइंट में लिखेंगे, एक एरोमेटिक माइंस नहीं बना सकते, उसका रीजन अपन लिख देंगे, और उसके बाद में हाइड्रोलिसिस करवाया, तो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े, कहां जुड़ा, एक एच यहां और एक ओ एच यहां, एच यहां और ओ एच यहां से ब्रेक किया, तो आर एन एच टू कहां है, ये रही बेटा प्राइमरी एमाइंस। और थैलिक एसिड का है देखना, COOH, COOH, बेंजीन के जो पास में एसिड लग जाता है तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। ये कचरे में जो बना है उसका नाम क्या है, थैलिक एसिड। पोटेशियम थैलीमाइड बनता है सॉल्ट के फॉर्म में, यदि बेस डालोगे तो ये, यहाँ के लगा हुआ बुक में, तो के का मतलब कोई बता सकता है क्या, पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है ना, कुक नहीं है, CO कुक कुक, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द थैलिक एसिड नॉन एज थैलिक। अब इसमें एक नॉट पॉइंट है, उसको भी लिखे कि फ्रॉम दिस मेथड, एक नॉट पॉइंट लिखेंगे आप, इससे आप केवल प्राइमरी एमाइंस बना सकते हैं, नॉट पॉइंट करेंगे, नॉट फ्रॉम दिस मेथड वी कांट प्रिपेयर, वी कैन नॉट प्रिपेयर, वी कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस को प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ARX जो है लिया हुआ है, ये नहीं ले सकते एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, ये नहीं ले सकते, एरोमेटिक वाली अपन नहीं बना सकते, ध्यान रखना, बिकॉज
एल्काइल LRDRX not gives न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं देता बेटा, इसलिए इससे अपन एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन नहीं बना सकते। कौन सी एमाइन बनी है? ये एलिफैटिक। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ग्रेबिल थर्मोमीटर अंदर की लाइन एनसीईआरटी पूछती है, एरोमेटिक वाला बना दो, नहीं एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन ही बना सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमाइंस, नीम रिएक्शन है बहुत तगड़ी, हॉफमैन ब्रोम एमाइड। इसमें पकड़ में ये आ जाता है कि ब्रोम और एमाइड लेना है, यानी रिएक्शन जो स्टार्ट होगी वो ब्रोमीन और एमाइड ग्रुप लेना होगा। ध्यान रखना, माइड डिग्रेडेशन, डिग्रेड का मतलब कोई बता सकता है कि एक तो कार्बन बढ़ाते हैं और इस रिएक्शन में हमेशा कार्बन कम हो जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट में आपके कम पड़ेगा, एक रिएक्टेंट में मान लो तीन है तो प्रोडक्ट में कितना आएंगे? दो। तो क्या हुआ? डिग्रेड। क्या हुआ? तो डिग्रेड का मतलब इसमें पकड़ में आ जाएगा कि हमेशा कम कार्बन की चीज मिलेगी और रिएक्शन तो है ये बेटा। तो क्या है बच्चों? व्हेन, ध्यान देना कहां से बनाता हूं, ये एमाइड, ध्यान देने वाली बात है, ये एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब बेस में आप कुछ भी ले सकते हो, 4KNaOHQH 4 लेने है बेटा, चाहे NaOH भी लिया, किसी टीचर ने ले लिया NaOH तो गेला है वही, उसको KOH NaOH बेस ही है ना रे, ठीक है ना। गिव्स प्राइमरी एमाइन, देखना इधर जादू, इसमें हमेशा एक कम हो जाता है, ये वाला CO गायब हो जाता है, एक्चुअली मैकेनिज्म अलग आएगा, ये गायब करने आंसर क्या आएगा, देखो हाथ रख दो बस, ये आंसर आया RNH2 प्राइमरी एमाइन बनेगी बेटा। कचरे में क्या क्या जाएगा? Na लोगे तो Na2CO3 प्लस Na और Br 2NaBr और फिर क्या और क्या आएगा बेटा? 2H2O। तो कचरा भी बहुत सारा है लेकिन आपके मेन प्रोडक्ट क्या है बेटा? प्राइमरी एमाइन। ये प्राइमरी एमाइन की पहचान है। अब इसमें दो नॉट पॉइंट आपको बहुत शानदार बता देता हूं। नॉट पहला, एक तो ये है बेटा कि इसमें चूहे जैसी स्मेल होती है कंपाउंड की, वो होती है एमाइड की, चूहिया होती है ना, चूहा, माइस, माइस लाइक स्मेल वाला कंपाउंड है ये एमाइड, जिसकी बहुत ही केमिस्ट्री में फेमस है इसकी ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इसकी? माइस, चूहिया है ना, माइस लाइक स्मेल। वो दुकान के अंदर, किराने की दुकान में चूहे गुड़ वगैरह बदबूनिया की, वो वाली बदबू आती है एमाइड की। ये लैब के अंदर आपको इसकी स्मेल लिखनी है, ऑर्डर लिखनी है, और जो एमाइस बनती है उसकी स्मेल होती है फिश लाइक स्मेल। क्या होती है? तो इसमें चूहे जैसी स्मेल वाला कंपाउंड जो है फिश लाइक स्मेल वाला कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। तो इन दिस रिएक्शन, नॉट पॉइंट नंबर वन क्या लिखेंगे? इन दिस रिएक्शन माइस लाइक स्मेलिंग कंपाउंड कौन होता है पूछता है केमिस्ट्री में, चूहे जैसी स्मेल किसकी होती है? एमाइड। गिव्स फिश लाइक स्मेलिंग कंपाउंड कंपाउंड कौन सा? फिश लाइक स्मेल किसकी होती है? प्राइमरी एमाइंस। ये भी एक टेस्ट है बेटा, प्राइम 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट होता है। और दूसरा नॉट पॉइंट आपको बता दूं, एक कार्बन कम हो जाता है, इधर देखो कार्बन मान लो आर की जगह क्या हो, मिथाइल वगैरह हो, तो यहां से एक कार्बन कम हो जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो अपन लिखेंगे इन दिस रिएक्शन वन कार्बन डिक्रीज इन प्रोडक्ट, एक कार्बन कम हो जाता है प्रोडक्ट, सो इट इज ए डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब है कम होना, डिग्रेड होना, डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेड हो रहा है बेटा कार्बन। देखो आप यहां एक ये वाला CO वाला कार्बन गायब हो जाता है। तो दो बातें इसकी स्पेलिंग, और बहुत शानदार इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसलिए आप पहले इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगाया, बस आप वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट भी लगाएंगे इस रिएक्शन को, इस ये रिएक्शन भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी, ध्यान रखना बेटा। अब इसका क्वेश्चन करते हैं अपन, एक घुमा के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कैसा आता है क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है बेटा, एक कंपाउंड एक्स अननोन कंपाउंड दे देता है विच स्मेल लाइक माइस, पता चल गया चूहे जैसे स्मेल है तो एमाइड ही होगा, चाहे दिमाग दौड़ना चाहिए, ठीक ना। रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड बेस,
ब्रोम एमाइड में क्या होता है, एमाइड और ब्रोमीन की रिएक्शन होती है बेस के प्रदेश में, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, KOH NaOH भी ले सकते हैं। गिव्स कंपाउंड वाइट व्हिच स्मेल लाइक फिश, तो पता चल गया यार एमाइंस हो सकती है, आइडिया लगता है बेटा इससे, ठीक है ना। व्हेन मोलर मास ऑफ द वाई, वाई का आपको हिंट दे दिया है, मोलर मास दे दिया 45, व्हाट इज द एक्स एंड वाई पूछेंगे बेटा, एक्स और वाई क्या है, राइट द नेम ऑफ, राइट द एक्स विद नेम IUPAC नेम ऑफ एक्स एंड वाई एंड केमिकल रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान रिएक्शन है, एक बार क्वेश्चन को पॉज करके पढ़े आराम से, फिर आपको बताया बेटा, पता चल जाएगा कि चूहे जैसी स्मेल वाला तो कौन होता है, एमाइड, किससे रिएक्शन करता है, ब्रोमीन से, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, फिक्स है बेटा, बेस के कितने मॉलिक्यूल लेने, 4KOH या NaOH भी ले सकते हैं। और क्या देता है, एमाइंस, प्राइमरी एमाइन बनती है बेटा इससे, फिक्स लाइक स्मेल, और कचरे में क्या जाएगा, के है तो K2CO3, ये CO2 जाती ना ऐसे, तो एक तो K2CO3 जाएगा, और बार क्या जाएगा बेटा, 2Br और 2K, तो 2KBr है, और बाकी वाला क्या आएगा, 2H2, तो ये वाटर जाता है। इसकी मैकेनिज्म अलग पढ़ लेंगे अपन, आप चिंता नहीं करें। अब आप बताओ मुझे कि ये तो है एक्स और ये है बेटा वाई, एक्स कंपाउंड ब्रोमीन और इससे रिएक्शन कर रहा है, फिक्स रिएक्शन है। अब आर की जगह अपन को सेट करना है, मैंने इसका मोलर मास 45 दिया है, तो इसका मोलर मास 45 कब होगा, जब टाबरिया पहले मिथाइल लेके देखता है, तो मिथाइल का तो यहाँ कार्बन का 12 आता है, इसका 3 आता है, इसका 14, इसका 2, तो इसको जब जोड़ोगे तो 31 ही आ रहा है, और आपको 45 दिया है, तो यहाँ मिथाइल से बात नहीं बनेगी, तो आपको यहाँ आर की जगह क्या लेना चाहिए बेटा, आर की जगह आपको क्या लेना है, इथाइल लो, और इसका मोलर मास निकालोगे तो आपके 45 आ जाएगा। तो बस डिसाइड हो गया, आर की जगह इथाइल लेना है, बस यहाँ इथाइल लिख दीजिए, तो ये रिएक्शन हो गई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ये हो गया आपके एक्स, ये कंपाउंड एक्स प्रोपेनेमाइड हो जाएगा, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से होगी, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, क्या देगा, इथेनेमाइड, और कचरा यही रहेगा वापस सारे प्रोडक्ट। तो ये तो है बेटा एक्स और ये है वाई, रिएक्शन आपके पूरी ये लिखनी है, और IUPAC नेम पूछा है, एक्स का IUPAC नेम क्या हो गया, मैथ एंड प्रोप, और अमाइड ग्रुप है तो प्रोपेनमाइड, क्या हो गया, प्रोपेनमाइड, प्रोपेनमाइड हो गया बेटा, और ये मैथ और इथेन अमाइन हो गया है, क्या हो गया, इथेन अमाइन, तो प्रोपेनमाइड हो गया, साथ में इथेन अमाइन हो गया बेटा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें यदि अपन को एरोमेटिक दे तो एरोमेटिक वाला भी यहाँ दे सकता है कि धुआं एरोमेटिक दे रहा है, तो यहाँ बेंजीन रिंग सेट करके मॉलिक्यूलर मास को चेक कर लीजिए, एरोमेटिक हो तो बेंजीन रिंग लगाओ, दिमाग उसमें लगाइए आप, अपने आप हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, अब इसका अभी मैकेनिज्म देखेंगे, स्पेशल मैकेनिज्म बेटा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये स्पेशल हॉफमैन रीअरेंजमेंट में आता है बेटा, इसकी इंडिविजुअल मैकेनिज्म है देखना, रीअरेंजमेंट कैसे होते हैं देखना, नई चीज आएगी। तो किससे स्टार्ट होती है, एमाइड से ले रहा हूं मैं एमाइड, ये आपको सिर्फ गाइड में मिलेगा, ये मैकेनिज्म आपको यहाँ बुक में NCERT में कहीं नहीं, लेकिन अंदर कंपटीशन में आता है, तो रीअरेंजमेंट याद रखना बेटा इसका आता है। ब्रोमीन ली थी, ब्रोमीन को खोल के लिख दिया अपन ने, यहां से H बाहर निकाल लेते हैं, तो ये ब्रोम एमाइड, ब्रोमीन के साथ एमाइड जुड़ रहा है तो ब्रोम एमाइड भी बोलते हैं इसको, बाहर क्या गया HBr, क्या बना RCO, कहां से लिख रहा हूं RCO NHBr, इसको क्या करो बच्चों, एक बार और गर्म कर दो थोड़ा सा, तो यहां से भी HBr बाहर निकल जाएगा, ये वाला ये HBr भी बाहर निकल जाएगा, और क्या बना रहे बच्चों कंपाउंड, यहां से बोलना जरा RC डबल बॉन्ड O N, दो लॉन पेयर है, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं अपन, एक अरेंजमेंट होगा 19 स्पीसी, 19 वो होती है जिसमें 19 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, देखो 8 नहीं इसके पास, 2 4 और 2 6 ही है, अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो यहाँ अंदर ही अंदर एक अरेंजमेंट होगा, उसका नाम है रीअरेंजमेंट, देखना ये आर वाई साहब तो यहाँ शिफ्ट होंगे, ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करो, तो क्या होगा आर पीछे चला जाएगा, क्या है बोलो, क्या बनेगा आर सी आर हो गया, उसके बाद एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, क्या बना है इसका नाम, केमिस्ट्री बहुत फेमस है, एल्काइल आइसोसाइनेट, साइनाइड नहीं है साइनेट है, इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट, साइनेट NAT
साइनेट के नाम से फेमस है बेटा, और ये हुआ आपके इस इंटरमीडिएट का बहुत ही स्पेशल नाम है नाइट्रीन इंटरमीडिएट। नाइट्रीन वो होती है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, देखो दो लॉन पेयर चमक रहा है नाइट्रोजन पे, ठीक है ना। ये आपको पीछे भेज रहा हूँ इसको, ये यहाँ का लॉन पेयर यहाँ से करा तो ये साइनेट बनता है, जिसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है तो CO2 बाहर जाएगी OH2 और आपके मेन प्रोडक्ट आ गया। बताओ मेन प्रोडक्ट क्या था? प्राइमरी एमाइन नहीं था, और कचरे में क्या जाएगी? CO2। ये CO2 होती है एसिडिक, ध्यान देना, ये कचरा आप सेट कर रहा हूं आपके, ये CO2 तो थी एसिड और आपने बेस किया था KOH 2 KOH, तो इससे रिएक्शन करेंगे और वो जो बनाया था कचरे में K2CO3 वो बन गया और एक पानी का मॉलिक्यूल बना था, याद हो तो इनसे बन जाएगा। और देखो पप्पू, एक HBr यहाँ पर कचरे में गया था, एक HBr यहाँ कचरे में गया था, वो दो HBr जो पड़े थे वो उस 2KOH से 4KOH लिए थे, दो और दो चार हो गए देखो, और वो कचरा पूरा सेट हो गया आपके KBr+2H2O। ये एक्स्ट्रा H2O क्यों आया? कि आपने यहाँ पर लिया है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ एक रीअरेंजमेंट है बेटा नाइट्रीन का, यहाँ पर क्या हुआ है? रीअरेंज मेंट है ना, ये रीअरेंजमेंट जो अपन ने लिखा है, इसका पीछे जाना और इसी का आगे आना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, स्पेशल मैकेनिज्म है। याद कुछ भी नहीं रहे चलेगा, आप वर्ड याद रखना, रीअरेंजमेंट है और इसमें नाइट्रीन बनती है और नाइट्रीन से बनता आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है, उससे प्रोडक्ट आता है। तो ये एक्स्ट्रा ही है, लेकिन दिमाग होना चाहिए कि हॉफमैन एमाइड वाली रिएक्शन एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो प्यार बच्चों, इस तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश हो गए हैं, अब अपन को फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एमाइड्स की। हाँ बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बहुत कम और बहुत छोटी सी लेकिन काम की है बेटा, कि लोअर एलिफेटिक एमाइड्स छोड़ गैसियस, अब कोई भी दुनिया का लोअर कंपाउंड हमेशा गैस ही होता है, उसका रीजन क्या है? मॉलिक्यूल कम ही होते हैं, दूर दूर होते हैं, थोड़ा मिडिल मेंबर आएगा तो पास आएगा तो लिक्विड, और बड़े मेंबर सॉलिड हो जाते हैं, तो लोअर मेंबर हमेशा गैस है, ठीक है ना। विद द फिशीज ऑर्डर, फिश लाइक ऑर्डर होती है, फिशी ऑर्डर होती है इनकी, ये मैंने पहले ही बताया है, फिश लाइक स्मेल कह रहा हूँ और एमाइड्स की चूहे जैसी स्मेल कह रहा हूँ, माइस लाइक चूहिया एक्चुअली माइस लाइक है ना। लोअर एलिफेटिक एमाइड्स छोटे मेंबर इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, नहीं होने चाहिए थे, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं बेटा, पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो पानी के साथ बॉन्डिंग आनी चाहिए, आर एन एच रेगुलर एच आ गया, वापस आप पानी का नंबर लगा दो, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, वापस क्या है बेटा इधर एमाइंस ले एच ले लो पहले, तो ये नाइट्रोजन हो गया, ये आर, ये एच, ये एच, तो वाटर के साथ कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई? इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, एक बात मैं करना चाहूंगा आपके बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इनके भी थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन अल्कोहल से कम होंगे प्यारे बच्चों, क्यों? तो एक क्वेश्चन ही बना लेता ना यार, क्वेश्चन क्या है? व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस आर लोअर देन अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मास तो होता है, फिर भी जो है अल्कोहल्स के ज्यादा, अल्कोहल मैंने कहा था धारते नहीं किसी को, बदमाश है थोड़े, क्या कारण है? अरे वो हाइड्रोजन बॉन्ड आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सिमिलर मासेस, ठीक है ना, बोथ कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बेटा। तो प्यारे बच्चों, अब ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो इस तो फिर क्या देर होगी, फिर क्या दिक्कत होगी? तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बनाएंगे, पर दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा? एक तो कौन है? ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, बताओ ज्यादा पावरफुल कौन है दोनों में से? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। तो सीधा कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों बनाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा? अल्कोहल, इसलिए अल्कोहलों के बॉइलिंग पॉइंट एमाइन से ज्यादा होंगे। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इन अल्कोहल्स, आंसर में क्या लिखोगे? इन अल्कोहल्स ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज
हायर देन नाइट्रोजन, किस में होती है नाइट्रोजन, एमाइंस में, है ना। ड्यू टू दिस alcohols form strong hydrogen bonding. क्या आंसर होगा रे पप्पू? स्ट्रॉन्ग कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बच्चों? इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बहुत सिंपल कहना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इसलिए अल्कोहल थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं बच्चों। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एमाइंस और अल्कोहल में से किसका ज्यादा होगा? अल्कोहल्स का। अल्कोहल्स का तो बदमाश का पूरी केमिस्ट्री में ही ज्यादा है, एक जगह एसिड नहीं इसको चढ़ाता हो, याद हो तो ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेंगे अब कल से आगे, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज का।